नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रमित, और आज दिल्ली के मुद्दों पर, दिल्ली की बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की एक खास नेता, एक संगठन का बड़ा चेहरा हमारे साथ आतिशी जुड़ गई हैं। आतिशी, वेलकम टू नवोदय टाइम्स। थैंक यू आतिशी। दिल्ली की बात हम करेंगे। दिल्ली की बात, इस वक्त की सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये पोल्यूशन जो है, हर बार इसी तरीके से स्थिति बनती है। देखिए, दिन में जो है अंधेरा छा गया है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, दिल्ली से भी कुछ प्रदूषण होता है और दिल्ली के बाहर से भी कुछ प्रदूषण होता है। दिल्ली देश का इकलौता शहर है जिसने अपने सोर्सेस से होने वाले पोल्यूशन को 25% कम किया है। सारा डेटा ये दिखा रहा है कि दिल्ली का अपना प्रदूषण 25% नीचे आया है जी। लेकिन आज जो आप दिल्ली की आबो हवा देख रहे हैं जी। सारा डेटा ये भी बता रहा है कि इसमें 45-46% कॉन्ट्रीब्यूशन फसल जलने से और पराली जलने की वजह से हो रहा है। तो जो फसल जलने और पराली जलने से धुआं हो रहा है, उसको दिल्ली वाले नहीं रोक सकते जी। इसको तो हरियाणा को, पंजाब को, केंद्र की सरकार को मिलकर रोकना होगा जी। वरना हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है जी। लेकिन आप दोनों तरफ से बस बयानबाजी हो रही है। उधर से ये कहा जा रहा है कि हम ये मास्क बांटने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जो हैं मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमें लेकर आएंगे तो ये मास्क बांटने वाली चिंता आपकी दूर हो जाएगी, और मुख्यमंत्री जो है मास्क भी बांट रहे हैं। देखिए, जब एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है तो इमरजेंसी कदम उठाने होंगे। जब प्रदूषण का लेवल हरियाणा और पंजाब में पराली जलने की वजह से बढ़ेगा तो हम नहीं चाहते कि हमारे शहर में रहने वाले बच्चे, बुज़ुर्ग या कोई भी जो अपने घर से बाहर जा रहा है उसे इस जहरीली हवा में सांस लेना पड़े। यही कारण है कि तकरीबन 50 लाख मास्क इस बारी हमने बांटे हैं, और अगर पराली जलना बंद नहीं होगा तो अगले साल भी हम बांटेंगे। यही रीज़न है कि ऑडिवन जैसे इमरजेंसी मेजर को हम लेके आए हैं, जिसके तहत एक दिन पे सिर्फ आधी ही गाड़ियाँ चलेंगी, ऑड दिन पे ऑड गाड़ियाँ, इवन दिन पे इवन गाड़ियाँ। ऑड इवन से ऐसी स्थिति में, ये जो स्थिति है ऐसी स्थिति में ऑड इवन से कितनी राहत की उम्मीद है आपको? एक्सपर्ट ने बताया भी होगा। देखिए, जब विंटर्स में 2015-16 में ऑड इवन लाया गया था, तब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड की स्टडीज़ ये बताती हैं कि प्रदूषण तकरीबन 15-16% नीचे आया था। सो एज एन इमरजेंसी मेजर हम ये उम्मीद करते हैं कि ऑड इवन की वजह से प्रदूषण का स्तर थोड़ा घटेगा। और प्रदूषण घटने से, देखिए, ऑड इवन एक इमरजेंसी मेजर है, ये रेगुलर बेसिस पे लागू नहीं हो सकता। पर जब हम पंजाब और हरियाणा में पराली जलना नहीं रोक सकते हैं, जब हम इस जहरीली हवा को आने से नहीं रोक सकते हैं, तो कुछ तो इमरजेंसी मेजर्स लेने होंगे। आप कह रहे हैं कि सरकारों की, वहाँ पंजाब और हरियाणा की सरकारों की मदद नहीं मिल पा रही है। पंजाब में आपके विधायकों की एक बड़ी टीम है, वो कितना इस मुद्दे को उठा पा रहे हैं? देखिए, हम तो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार को, पंजाब की सरकार को और हरियाणा की सरकार को इस पे कदम उठाने होंगे जी। सारा बोझ आप इसका किसानों पे नहीं डाल सकते हैं। किसान आखिर क्या कर रहा है? वो तो लोगों के लिए खाना उगा रहा है। किसान तो सबसे मुश्किल आर्थिक परिस्थिति में होता है। अगर पराली जलना रोकना है तो सरकारों को किसान की मदद करनी होगी। केंद्र सरकार जब खुद मानती है कि नवंबर दिसंबर के प्रदूषण में पराली जलने की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हमारा केंद्र सरकार से सवाल ये है कि आपने इस पे क्या कदम उठाए? हरियाणा और पंजाब में 26 लाख किसान हैं, लेकिन इन 26 लाख किसानों को कुल मिला के सिर्फ 63,000 मशीनें बांटी गई हैं जी। तो कैसे इसका असर होगा? यहाँ पर तो आप सरकार में, वही मैं सवाल फिर से पूछूंगा कि पंजाब में विपक्ष के तौर पर आपकी पार्टी कितना इस मुद्दे को, क्योंकि पंजाब जो है, मतलब किसानों का गांव ही पहचान है, भारत की पहचान वैसे गांव है, लेकिन पंजाब के किसान भी हैं, तो वहाँ पर कितने बड़े लेवल पे आप उठा पा रहे हैं? देखिए, हमारे जो विधायक हैं वो इस बात के साथ पंजाब में भी खड़े हैं कि पंजाब की सरकार को पंजाब के किसानों की मदद करनी होगी ताकि ये पराली का जलना रुक पाए जी। अच्छा, एक और बात हम जानना चाहेंगे, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक प्रपोजल था कि यात्रा जो है दिल्ली की सिख संगत को उसका जो है कुछ कंपनसेट किया जाएगा, उस बारे में क्या चर्चा चल रही है? इस पे चर्चा चल रही है, हो सकता है अभी उस पे किस प्रकार से दिल्ली की सिख संगत करतारपुर जा सकती है, इस पे जल्द ही दिल्ली सरकार कुछ कदम अनाउंस करने वाली है। और दिल्ली को लेकर जो बीजेपी दावा कर रही, जैसे तमाम वो स्टेट्स पर मिशन 75+ वो हरियाणा में लेकर चले, हरियाणा में जो है जीत, क्या मतलब आप खाता खोलने में थोड़ा, आपको खाता भी नहीं खोल पाए, तो उस लिहाज से दिल्ली में आप क्या महसूस कर रहे हैं हरियाणा में जो एक सेटबैक लगा? देखिए, हरियाणा में कोई सेटबैक नहीं था। हरियाणा का तो चुनाव, आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने कुछ
लोकल संगठन ने कुछ लोकल लेवल पे चुनाव को लड़ा, ना आम आदमी पार्टी की कोई लीडरशिप यहाँ से गई, ना कोई बहुत प्रचार हुआ जी। दिल्ली की अगर आप स्थिति देखिए तो आज दिल्ली का हर इंसान आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है जी। आज दिल्ली में आप कहीं पे भी जाइए, जो बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता हैं वो खुद ये मानते हैं भाई काम तो केजरीवाल ने किया है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तीर्थ यात्रा की स्कीम हो, महिलाओं के लिए फ्री बस राइड हो, किराएदारों के लिए मीटर हो। आज दिल्ली वाले सब ये पहचानते हैं कि अगर काम किसी एक सरकार ने किया है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। विपक्ष कह रहा है कि बार बार जो है जितने भी ऐलान हो रहे हैं, इन 4-5 महीनों में ही ज़्यादा जो है आपने बिल्कुल खजाने के दरवाजे खोल दिए, सिर्फ ये इलेक्शन स्टंट है। तो हमारा उनसे आग्रह है कि उनकी भी कई राज्यों में सरकार है, वो भी कुछ इलेक्शन स्टंट करके दिखा दें। इलेक्शन स्टंट के तहत ही लेकिन सरकारी स्कूल ठीक कर दें, इलेक्शन स्टंट के तहत ही लेकिन सरकारी अस्पताल ठीक कर दें, इलेक्शन स्टंट के तहत ही मोहल्ला क्लिनिक ठीक कर दें, बिजली सस्ती कर दें, पानी की सुविधा दे दें, एक्सीडेंट विक्टम्स के फ्री इलाज की स्कीम कर दें, बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दें, कम से कम उनकी अलग अलग राज्यों की जनता का भला तो होगा। पानी के मुद्दे पर मनोज तिवारी कुछ सैंपल लेकर आए कि पानी का तो बहुत ही बुरा हाल है और आप पानी आपका मुख्य चुनावी मुद्दा है। पिछले 5 साल में 500 से ज़्यादा कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन पहुंची है। इतने युद्ध स्तर पर पानी की सुविधा को लेकर आज तक कभी भी काम नहीं हुआ। दिल्ली में पानी के प्रदूषित होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अनऑथराइज कॉलोनीज में सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होते थे और उसकी वजह से पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित होता है। दिल्ली में बड़े स्तर पर डिसेंट्रलाइज सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने का काम दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली सरकार ओखला में बना रही है। तो मैं मनोज तिवारी जी से फिर से आग्रह करूंगी कि उनकी पार्टी की किसी भी स्टेट की सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके आ जाए और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके आ जाए तो हम सामने ही कंपैरिजन कर लेंगे। इससे भी बेहतर दिल्ली की सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप उनके द्वारा शासित MCD से कर लें तो फिर भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके द्वारा शासित दिल्ली पुलिस से कर लें, दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए, दिल्ली की महिलाओं से पूछ लीजिए कि बीजेपी चलाती है दिल्ली में पुलिस, बीजेपी चलाती देखती है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, तो साफ पता चल जाएगा दिल्ली की जनता बीजेपी के शासन के बारे में क्या सोचती है और आम आदमी पार्टी के शासन के। कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है, दफ्तर यहाँ सामने ही है, कितनी चुनौती वहाँ से मिल रही है। कांग्रेस आजकल तो यही सवाल करना पड़ गया शायद कि कांग्रेस कौन। आज दिल्ली में कांग्रेस ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गई है। कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि इतने महीनों तक तो वो एक DPCC का चीफ भी नहीं चुन पाई। तो आज दिल्ली की जनता ने तो सोची, तब दिल्ली की जनता शायद कांग्रेस को भूल भी गई हो कि ऐसी भी कोई पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस लोकसभा में दूसरे नंबर पर रही थी और अलका लांबा अब कांग्रेस में वापस चली गई हैं। वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी और BJP ने, मोदी सरकार ने सेटिंग कर ली है। अगर अलका लांबा जी को लगता है कि उन्होंने सेटिंग कर ली है, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो ग्राउंड पे जाके कांग्रेस पार्टी को खड़ा करें। आज 2 या 3% वोट शेयर पे कांग्रेस पार्टी रह गई है, अब बयानबाजी ना करें। अगर उन्हें कांग्रेस की इतनी चिंता है तो ग्राउंड पे लग के उस पार्टी को खड़ा करें। थैंक यू सो मच। तो कैमरामैन विवेक के साथ श्रमित, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।